वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है वैकेंसी से रिलेटेड न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए गल्फ़ के लिए और यूरोप के लिए रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर रिटर्नर सभी के लिए है। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे, जिससे आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो रिक्वायरमेंट होगा अप्लाई करने के लिए, सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए और प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट होगा, प्रोडक्शन में मैनेजर और सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए मैनेजर और सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल में सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। सीनियर मोल्ड टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर, किल ऑपरेटर, असिस्टेंट चाहिए मशीन ऑपरेटर के लिए। इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। और प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है, फिल्म प्रोडक्शन सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, मोल्ड टेक्नीशियन, मैकेनिक टेक्नीशियन, स्किल्ड हेल्पर की रिक्वायरमेंट है और मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। थर्मोफॉर्मिंग इंजेक्शन, फिल्म प्रोडक्शन और पीवीसी के लिए मशीन ऑपरेटर चाहिए। इन वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको प्लास्टिक इंडस्ट्री से और सीमेंट इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस है। अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ में सुमन मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये सुमन मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑफिस सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। ये शॉर्ट टर्म जॉब के लिए 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, डीजल मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है हेवी व्हीकल में। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कम से कम 2 साल का आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड से गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में मुंबई के एशिया पावर ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ये एशिया पावर ऑफिस सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट है। ये बड़ी वैकेंसी है, फ्री रिक्वायरमेंट है फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, एचवीएसी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, एसी टेक्नीशियन, एमोनिया रेफ्रिजरेशन प्लांट के लिए ऑपरेटर रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास एचवीएसी एसी टेक्नीशियन के पास क्वालिफिकेशन आईटीआई होना चाहिए और गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का रिलेटेड फील्ड से एक्सपीरियंस है और पासपोर्ट का आपका वैलिडिटी 3 साल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज भी जो है 35 साल के अंदर होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए इसका शॉर्ट लिस्ट, इसका इंटरव्यू चल रहा है। आज 11 और 12 मार्च को आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में मुंबई की सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस से कुवैत के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, पीओपी प्लास्टर की रिक्वायरमेंट है, वॉल पेंटर और सिविल हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको 5 साल का रिलेटेड फील्ड से गल्फ का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में मुंबई के एसमैक्स ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ये एसमैक्स ऑफिस से बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है, कोरियन कंपनी के लिए। इसका वीज़ा रेडी है, बहुत ही जल्द फ्लाइट होगा। इसका शॉर्ट लिस्टिंग जो है आज 11, 12 और 13 मार्च को हो रहा है। क्लाइंट इंटरव्यू नेक्स्ट वीक में होने वाला है मुंबई में। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी होंगी, सटरिंग कारपेंटर के लिए फोरमैन की रिक्वायरमेंट है, मेसन के लिए फोरमैन, स्काफ होल्डर के लिए फोरमैन की रिक्वायरमेंट है, स्टील फिक्सर में फोरमैन, सटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मेसन, स्काफ होल्डर, रिगर, वॉल पेंटर, हेवी इक्विपमेंट के लिए मैकेनिक और सिविल लेबर की रिक्वायरमेंट है। इन वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको रिलेटेड फील्ड से गल्फ का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में मुंबई के एसमैक्स ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये एसमैक्स ऑफिस सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, शिपयार्ड कंपनी के लिए, जिसका शॉर्ट लिस्टिंग आज 11 मार्च को हो रहा है। क्लाइंट इंटरव्यू 12 मार्च को बैजाग में होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी होंगी, पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर, स्ट्रक्चरल फिटर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, स्काफ होल्डर, एसी मैकेनिक, हाइड्रोटाइट टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट ट्यूब फिटर की रिक्वायरमेंट है, मिल राइट टेक्नीशियन, सैंड ग्रिट ब्लास्टर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट के साथ चाहिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेशन टेक्नीशियन, कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, स्ट्रक्चरल वेल्डर, 6G आर्क वेल्डर की रिक्वायरमेंट है। इन वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपका एक्सपीरियंस शिपयार्ड ऑफशोर ड्राई डॉक प्रोजेक्ट का गल्फ से है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में वैजाग के एसमैक्स ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये वैजाग के एसमैक्स ऑफिस से सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म जॉब के लिए, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू आज 11 और 12 मार्च को हो रहा है मुंबई में। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी रिगर की रिक्वायरमेंट है लेवल 2 और 3 के लिए, स्काफ होल्डर की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए,
इन वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको ऑयल एंड गैस फील्ड का एक्सपीरियंस है, अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसका क्लाइंट इंटरव्यू चल रहा है। ये अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस से बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी मिडिल ईस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। शट डाउन जॉब के लिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है। इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू जो है अनुपटेक के में होगा, रबाल में, मुंबई में, 13 मार्च को। यह फ्री रिक्वायरमेंट है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, इसका फोल्डर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल करके अप्लाई कर दें। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए mechanical@indianpersonal.com पे या इनको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और क्लाइंट इंटरव्यू के दिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में मुंबई के अनुपटेक में ऑफिस अनुपटेक में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस से मिडिल ईस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी ओमान के लिए रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म जॉब के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, एसी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। इन्हें अप्लाई करने के लिए आपको एक्सपीरियंस जो है कैरियर एयर कूल्ड वाटर कूलर का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चिल्लर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इनका टैंक योर कैरियर एयर कूल्ड का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। पाइप फिटर की रिक्वायरमेंट है, इन वैकेंसियों का अप्लाई कर पाइप फिटर के पास पंप मीटर पैनामेटिक हाइड्रोलिक कंट्रोल एंड पाइपिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सभी वैकेंसियों का अप्लाई करने के लिए आपको 7 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस है और आपका एज जो है 29 साल से लेकर के 33 के अंदर है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर दें या इनको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस ओमान के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी यूरोप के लिए रिक्वायरमेंट है। यूरोप में सर्बिया के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। इसका वॉक इन इंटरव्यू 11 और 12 मार्च को हो रहा है कोच्ची में। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, मिक्सर ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। एक्सवेटर के लिए ऑपरेटर चाहिए, बूम ट्रक में ऑपरेटर, ट्रक ड्राइवर, रोलर ऑपरेटर, वाटर ट्रक के लिए ऑपरेटर, डंप ट्रक के लिए ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। इन सभी वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए रिलेटेड फील्ड से आपके पास एक्सपीरियंस है। इन वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में कोची के डायनामिक ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसका इंटरव्यू आज चल रहा है। ये फ्री रिक्वायरमेंट है डायनामिक ऑफिस की तरफ से सर्बिया के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रेस्टोरेंट के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, स्टोर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। इनका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस में रेस्टोरेंट का, KFC, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोस जैसे, तो अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है 30 के अंदर होना चाहिए। किचन के लिए मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, इनको 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए किचन मैनेजर में हेड चीफ का, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स मेल कर दें। इसका जूम पे क्लाइंट इंटरव्यू होगा 12 मार्च को। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई करें। ये नासिर ओवरसीज कंसुलेंट ऑफिस से सऊदी अरब के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, ये फ्री रिक्वायरमेंट है डेयरी के लिए फ्रेश फूड में। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, ट्रेलर ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास इंडियन, सऊदी का या गल्फ का कहीं का भी लाइसेंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए और एज आपका 32 साल से लेकर के 45 के अंदर होना चाहिए। इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। आपको डेयरी या FMCG कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आप कोचीन, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई के ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं। इनके ऑफिस में ये इंटरव्यू होने वाला है, ये ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। क्लाइंट इंटरव्यू 14 मार्च को कोची में होगा, कलकत्ता में होगा 15 मार्च को, 16 मार्च को दिल्ली में हो रहा है और चेन्नई में थर्ड वीक में होगा, मार्च के थर्ड वीक में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नासिर ओवरसीज कंसलेंट ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके अप्लाई करें। ये नासिर ओवरसीज ऑफिस से सऊदी अरब के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 23 मार्च को होगा। यह इसका अभी शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, फ्री रिक्वायरमेंट है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फील्ड के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, रोटेटिक इक्विपमेंट के लिए सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल सुपरवाइजर चाहिए, स्टेटिंग में सेफ्टी ऑफिसर, रोटेटिक इक्विपमेंट के लिए टेक्नीशियन, मिल राइट टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिस्ट, सीनियर मैकेनिस्ट की रिक्वायरमेंट है। पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर, वॉल टेक्नीशियन, कंडीशन मॉनिटरिंग टेक्नीशियन, हैवी ड्यूटी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजेटर, केमिकल क्लीनिंग के लिए सुपरवाइजर, मैकेनिकल सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजेटिंग में मैकेनिकल फोरमैन की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजेटिंग के लिए मैकेनिकल फिटर, BA टेक्नीशियन, ट्यूब बंडल पुलर की रिक्वायरमेंट है। मटेरियल प्लानर की रिक्वायरमेंट है। मोबाइल इक्विपमेंट में सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है मोबाइल इक्विपमेंट के लिए।
सीनियर टेक्नीशियन के लिए फोरमैन की रिक्वायरमेंट है, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, हाइड्रोलिक टेक्नीशियन और टायर मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है। इन सभी वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपके पास रिलेटेड फील्ड से क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा या आईटीआई और कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस फील्ड से, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका ड्यूटी के बाद 4 घंटा ओवरटाइम डेली रहेगा। अगर इंटरेस्टेड है तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट कर सकते हैं। इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू के दिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफिस विजिट करें। यह इंटरनेशनल ट्रेड लिंक ऑफिस है, सऊदी अरब के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के लिए हॉस्पिटल डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट है। इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी कैंप के लिए बॉस, कैंप बॉस रिक्वायरमेंट है। मिडनाइट में ब्रेकफास्ट कुक की रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट कुक, इंडियन कुक, बेकरी मैन, किचन हेल्पर, डिश वाशर, फूड सर्वर की रिक्वायरमेंट है, वेटर, लॉन्ड्री मैन और रूम बॉय की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए होटल किचन रिलेटेड हॉस्पिटल से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो गल्फ में। अप्लाई करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में ऑफिस में विजिट करें, मुंबई, चेन्नई, बड़ोदरा, कोचीन, जो भी आपका नियरेस्ट स्टेट है वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये एशिया पावर ओवरसीज ऑफिस है, सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है। इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल रोटेटिंग के लिए चाहिए, मैकेनिकल रोटेटिंग में इक्विपमेंट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। इनका सैलरी 1100 KD रहेगा। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन BSc होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस है तो मैकेनिकल रोटेटिंग में इक्विपमेंट सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। इनका सैलरी 450 KD रहेगा। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कम आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेशन के लिए सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। इनका सैलरी 400 KD रहेगा। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग से, तो अप्लाई कर सकते हैं। 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल करके अप्लाई कर दें fgkuwaitjob3@gmail.com पे, या इनको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इनका व्हाट्सअप भी नंबर है। ये FG वाला ऑफिस है, कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी अबू धाबी के लिए रिक्वायरमेंट है। इसका बहुत ही जल्द फ्लाइट होगा। इसका वॉक इन इंटरव्यू आज 11 और 12 मार्च को हो रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी विंचमैन कम फ्लैगमैन की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको कार्गो जनरल कार्गो का एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से कम साल का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप मुंबई, कोलकाता, बड़ोदरा, बैजाग, चेन्नई, कोची, जो भी आपके नियरेस्ट ऑफिस है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफिस में विजिट करें। ESC गुल इंटरनेशनल ऑफिस से अबू धाबी के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी ओमान के लिए रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के लिए। इसका फाइनल इंटरव्यू मुंबई में 13 मार्च को हो रहा है और गोरखपुर में भी होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी HVAC टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। इनका सैलरी 160 ओमानी रियाल रहेगा। प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 150 ओमानी रियाल रहेगा। चिल्लर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 170 ओमानी रियाल रहेगा। और इरीग्रेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 350 ओमानी रियाल रहेगा। इसे अप्लाई करने के लिए आपको रिलेटेड फील्ड से एक्सपीरियंस है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इनको मेल कर सकते हैं। और क्लाइंट इंटरव्यू के दिन आप ऑफिस विजिट करें। एत्रेहान इंटरनेशनल ऑफिस से ओमान के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी यूरोप में रोमानिया के लिए रिक्वायरमेंट है। इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है कार ऑटो मैकेनिक रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI या डिप्लोमा। और कार ऑटो के लिए इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है कार में। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या ITI है तो अप्लाई कर सकते हैं। डेंटर और कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है। इन सभी वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गल्फ का, तो आप अप्लाई करें। और आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। एज आपका 28 साल से 35-45 के अंदर होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मुंबई के एशिया पावर ओवरसीज ऑफिस में विजिट करें। ये एशिया पावर ओवरसीज ऑफिस है, यूरोप में रोमानिया के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए रिक्वायरमेंट है। इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है इंडियन कुक की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको 5 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस है और इंग्लिश बोलने पढ़ने लिखने का नॉलेज है, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में मुंबई के एशिया पावर ओवरसीज ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ये एशिया पावर ओवरसीज ऑफिस से कतर के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए रिक्वायरमेंट है सेमी गवर्नमेंट कंपनी है कैटरिंग डिवीजन के लिए।
इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है कैटरिंग के लिए सुपरवाइजर, एडमिन असिस्टेंट, पिज़्ज़ा चीफ, पिज़्ज़ा मेकर, सलाद चीफ, सलाद कुक, कॉन्टिनेंटल चीफ, कॉन्टिनेंटल कुक, किचन हैंड वर्क की रिक्वायरमेंट है बचर, पिज़्ज़ा मेकर, बेकर, किचन क्लीनिंग के लिए सुपरवाइजर, किचन क्लीनर, किचन के लिए इक्विपमेंट टेक्नीशियन, असिस्टेंट बेकर और बेकर हेल्पर की रिक्वायरमेंट है बेकरी में, पेस्ट्री चीफ, असिस्टेंट पेस्ट्री, पेस्ट्री मैन, स्टोर कीपर, असिस्टेंट स्टोर कीपर और स्टोर के लिए हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। इन सभी वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटरिंग इंडस्ट्री का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर दें sourcing2meena@gmail.com पे। ये मीना सपोर्ट सर्विस ऑफिस से कतर के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई के लिए रिक्वायरमेंट है। ये DTC सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। इसमें इसका क्लाइंट इंटरव्यू हैदराबाद में हो रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी टैक्सी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। इसे इसमें आपका सैलरी रहेगा 4000 दरहम तक। इसे अप्लाई करने के लिए आप इंडियन लाइसेंस है 2 साल पुराना तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और गल्फ के लाइसेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है आपका 25 साल से लेकर 45 के अंदर होना चाहिए। पासपोर्ट आपका ECNR होना चाहिए। आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए SSC HN पास होना चाहिए, और आपको इंग्लिश बोलने लिखने पढ़ने का नॉलेज होना चाहिए, तो अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको व्हाट्सअप या इनका मेल कर सकते हैं। ये एशियन पावर सर्विस ऑफिस से यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है शट डाउन जॉब के लिए। ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है जनरल फिटर की रिक्वायरमेंट है, फैब्रिकेटर, असिस्टेंट फिटर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए साइट के लिए। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है CWS में, इलेक्ट्रीशियन, रिगर, वेल्डर और सेफ्टी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। इन वैकेंसियों का अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शटडाउन में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का, गल्फ का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका ड्यूटी 8 घंटे रहेगा प्लस ओवरटाइम रहेगा। अगर इंटरेस्टेड है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल करें या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये FG वाला ऑफिस है यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए, शटडाउन जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चरल फिटर और स्प्रे पेंटर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आप यूनाइटेड अरब अमीरात में रहते हैं तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात से ही अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ यूनाइटेड अरब अमीरात वालों के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, पाकिस्तानी नेशनलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और बेसिक इनको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको व्हाट्सअप करें या इनको ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इनका यूनाइटेड अरब अमीरात में ऑफिस है, ये HR इंटरनेशनल ऑफिस है, यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ये वैकेंसियों के लिए आप डायरेक्ट ऑफिस विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। इनमें आपका जॉब है तो डायरेक्ट अप्लाई करें। और वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू।